बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं सखर अपनी ईद की छुट्टियां मनाने। तो ये मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसल मोड़ के अड्डे पे, कि पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है। तो ये 8:30 बजे हमारी गाड़ी है बिजनेस क्लास, तो अभी चलते हैं और सुबह इंशाल्लाह ये सफ़र पहुँचेगी कोई 8:30 से 9 बजे। तो जो मेरा सफ़र है मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो मिलते हैं आगे। और ये आप देख सकते हैं पीछे ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आजकल ईद की वजह से बहुत रश है, तो लोग जा रहे हैं, हर बंदा अपने गांव जा रहा है ईद मनाने के लिए। चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये पीछे मेरी गाड़ी भी खड़ी है सामने। तो चलते हैं आगे, फिर आगे मैं आपको अपना जो अपना सफ़र है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस भी रात के 12:30 हो रहे हैं, तो अभी हम पहुंचे हैं सियाल मोड़ और यहाँ पे कोई 10 मिनट रुकेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं और ये लोग सारे जा रहे हैं अपने घरों की तरफ ईद मनाने के लिए। तो यहाँ पे रश बहुत है, यहाँ पे वैसे भी रश बहुत होता है आजकल, तो ईद के दिनों में कुछ ज़्यादा ही है। जी गाइस, तो अभी हम मुल्तान रुके हैं, सुबह के 4:15 हो रहे हैं और अभी यहाँ पे सैरी करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सुबह कोई सवेरे पहुँचेंगे, तकरीबन 8:30-9 हो जाएंगे सकर पहुँचते हुए। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मुल्तान का पंप है। तो गाइस अभी चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि अभी नाश्ता भी कर लिया, सैरी कर ली और नमाज़ भी अदा कर ली। तो अभी चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, जब सखर पहुँचते हैं जो आगे का सफ़र है वो आपसे शेयर करता हूँ। जी गाइस, तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम अभी इकबालाबाद में पहुँचे हैं। ये फैसल मोड़ का इकबालाबाद का टर्मिनल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रात को आएँ तो आपको रात का जो डिनर है वो फ्री देते हैं, अगर सुबह को आएँ तो नाश्ता फ्री देते हैं। ये सामने का लॉन बना हुआ है, तो उसके बाद भी 2 घंटे में और लगेंगे सखर तक। तो चलते हैं आगे, आगे का सफ़र मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो गाइस अभी मोटरवे से उतर के नीचे आ चुके हैं, सखर शहर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये रोड़ी के पहाड़ हैं, इसको अरोड़ के पहाड़ कहते हैं, ये अरोड़ का इलाका है। और अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले टर्मिनल पे, चलते हैं आगे।
और ये सखर की मशहूर खजूर के दरख्त। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से सामान लेते हैं और फिर आगे चलते हैं घर पे। ये हमने अपना सामान ले लिया है, अभी चलते हैं आगे। तो गाइस, ये है सखर बैराज। ये दरिया सिंध के ऊपर वाक़ है और ये रोड़ी और सखर को आपस में मिलाता है। तो चलते हैं आगे, अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं आगे। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए, अभी चलते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।